नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश शर्मा। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूखी त्वचा के बारे में, इसके घरेलू उपचार के बारे में और कैसे इसको स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, रूखी त्वचा कड़ी होती है, प्राकृतिक रूप से इसे चिकनाई प्रदान करने वाले तत्व नहीं मिल पाते क्योंकि ऐसी त्वचा में सिम्बेसियस ग्रंथियां पूर्ण रूप से काम नहीं करती हैं और इससे त्वचा को पूर्ण नमी नहीं मिल पाती, जबकि बाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण त्वचा की कोशिकाओं से पानी उड़ता रहता है, फलस्वरूप त्वचा में रूखापन आ जाता है। त्वचा की लाखों कोशिकाओं में जल का स्तर हार्मोन बाहर के वातावरण से नियंत्रित होता है। अगर मौसम गर्म है तो त्वचा से पानी तेजी से बाष्पीकरण होगा और त्वचा सूख जाएगी। अगर वातावरण बरसाती है तो त्वचा में नमी बनी रहती है। त्वचा में कुछ ऐसी प्राकृतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो उसे नम बनाए रखते हैं। इन्हीं तत्वों की मदद से त्वचा अपनी नमी बनाए रखती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसे प्राकृतिक तत्व खत्म होने लगते हैं और त्वचा सूखने लगती है। सूखी त्वचा को नमी और चिकनाई वाले तत्वों की आवश्यकता होती है। सूखी त्वचा खासतौर से गले और आंखों के आसपास की होती है क्योंकि इन स्थानों पर प्राकृतिक तेल कम मात्रा में पाया जाता है या दिखता है, और गले और आंखों के आसपास पतली पतली धारियां और झुर्रियां भी होने लगती हैं। साबुन लगाने के बाद त्वचा और सूखी हो जाती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को साबुन से नहाने से बचना चाहिए या कम साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। सूरज की रोशनी से जितना संभव हो सके बचें क्योंकि इससे त्वचा का जल स्तर और घट जाता है। 40 साल के बाद की उम्र में हार्मोनल परिवर्तन के फलस्वरूप सिम्बेसियस ग्लैंड सिकुड़ने लगते हैं और त्वचा कम तेल बनाने लगती है, परिणाम स्वरूप त्वचा सूखी होने लगती है, इस पर क्रैक पड़ने लगते हैं, इसकी चमक भी धुंधलाने लगती है। दोस्तों, इस उम्र में त्वचा के रूखेपन के बावजूद एक्ने की समस्या भी हो सकती है, साथ में हल्की जलन और लालिमा भी हो सकती है। ऐसा होने पर गर्म पेय पदार्थों और मिर्च मसालों से बचे। उपचार के लिए किसी अधिक तेल वाले लोशन और क्रीम का इस्तेमाल भी आप लोग कम कीजिए, तभी इससे ज्यादा फायदा होगा। इस उम्र में भोजन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपको समुचित प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं। चिकनाई की मात्रा को संतुलित करने के लिए भी आप हरी सब्जी और फलों का भी सेवन करें। इस बात को और भी ध्यान रखें कि आप पर्याप्त रेशेदार भोजन ले रहे हैं अथवा नहीं। नमक की मात्रा कम कर दीजिए, पानी खूब पीजिए, चाय काफी सॉफ्ट ड्रिंक की मात्रा कम कर दीजिए। इस उम्र में आपको 20 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। तेल मालिश करें, धूम्रपान और मद्यपान त्वचा को रूखी बनाते हैं, अतः इससे बचें। अब बात करते हैं दोस्तों रूखी त्वचा के उपचार के बारे में। नारंगी के छिलकों को छाया में पीस कर सुखा लें। इसको दूध में गोद कर मले, जहाँ भी मलेंगे वहाँ की त्वचा मुलायम हो जाएगी। घी 10 पिसी हुई काली मिर्च में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर नित्य प्रातः 2 माह पीने से त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है। दूध त्वचा पर दूध की मलाई को मलने से त्वचा मुलायम होती है। धूप की जलन से बचने के लिए भी दूध की मलाई गुलाब जल मिलाकर मले, दूध की मलाई और तहज मिलाकर मले। पपीता पके हुए पपीते का गूदा पीसकर चेहरे पर लेप करने से त्वचा कोमल होकर रूप निखर उठता है। चिकनाई सूखी त्वचा पर कोई भी चिकनाई लगाएं, मालिश करें, इससे बहुत आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे रूखी त्वचा होने के कारण और उनके उपचार के बारे में। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।